और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह बीजेपी से निष्कासित किए गए, काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से इनका मुकाबला होने जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं पवन सिंह। पहले पवन सिंह को बीजेपी ने, बता दे, आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन वहां से ना लड़ करके पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं पवन सिंह। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह काफी इनका जनाधार है, लेकिन बीजेपी ने निष्कासित कर दिया पवन सिंह को। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिए गए, काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा से होने वाला है। तो आपको बता दें कि पवन सिंह को लेकर के लगातार ये मांग की जा रही थी कि उनको बीजेपी से निकाला जाए, निष्कासित किया जाए, क्योंकि पार्टी लाइन से हट करके उन्होंने काम किया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ऐसे में कई दिनों से मांग की जा रही थी कार्यकर्ताओं के द्वारा और बीजेपी के कई और नेताओं के द्वारा कि पवन सिंह को पार्टी से हटाया जाए। तो ऐसे में ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, पवन सिंह बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए, काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह का मुकाबला। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पवन सिंह जाने माने अभिनेता हैं भोजपुरी के और इनका काफी जनाधार भी है, फैन फॉलोइंग इनकी काफी ज्यादा है। तो आपको बता दें, काराकाट से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, हालांकि यहां पर एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला अब होने वाला है निर्दलीय उम्मीदवार से, पवन सिंह से। तो आपको बता दें कि पवन सिंह ने बीजेपी ने जो उनको टिकट दिया था आसनसोल का, वहां से उन्होंने मना कर दिया कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने काफी दिनों तक हिडन रखा और उसके बाद काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 के इनपुट एडिटर ब्रिजमोहन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, देखिए, एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, बीजेपी ने पवन सिंह को निष्कासित कर दिया है। जी वाकई, इस चीज को लेकर चर्चा हो रही थी पार्टी के अंदर और खासकर एनडीए गठबंधन के अंदर कि जिस तरह से पवन सिंह बीजेपी के जो कैडर्स हैं, बीजेपी के जो वोटर्स हैं, कोर वोटर्स हैं, उनके ऊपर लगातार डोरे डाल रहे हैं, इससे काफी गठबंधन के अंदर में काफी एक पेचीदगी सी पैदा हो गई है, भ्रम की स्थिति सी पैदा हो गई है और दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, दोनों के कैडर्स के बीच में एक तरह से मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उसके बाद ये काफी जो खबर मिल रही है, काफी देर से ये फैसला लिया गया है पार्टी की तरफ से। इसकी शायद एक बहुत बड़ी वजह यह रही हो कि पवन सिंह की युवाओं के बीच में एक अच्छी खासी फॉलोइंग है, क्योंकि वो भोजपुरी के जाने माने स्टार हैं, यहाँ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर में जो भी भोजपुरी को फॉलो करते हैं, अच्छी खासी उनकी फॉलोइंग रहती है। तो युवाओं को लेकर एक लगातार चिंतन था कि उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए या नहीं, लेकिन जिस तरह से वोट का डिविजन हो रहा था तो उसको लेकर पार्टी की तरफ से ये काफी चिंता की बात थी और लगातार चिंतन के बाद ये फैसला लिया गया कि पवन सिंह के रहने से जो आधिकारिक उम्मीदवार हैं एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा, उनको नुकसान हो सकता है। तो इस चीज को लेकर और खास करके जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनके बीच में भी संदेश देने के लिए ये एक अहम फैसला लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लेकिन ब्रिजमोहन जी, काफी देर के बाद ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि मांग तो काफी समय पहले से की जा रही थी कि उनको निष्कासित किया जाए, बीजेपी के जो शीर्ष